वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से लंबे समय तक उनके शरीर में प्रोटीन की कमी के बने रहने के कारण उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने का देसी घरेलू तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जिन लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है और वो सभी लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अंडा, मछली और चिकन को खाएं, दूध, दही, पनीर, मक्खन और देसी घी को खाएं, बीन्स को खाएं, सभी प्रकार की सूखी मेवा जैसे काजू, बादाम, अखरोट को खाएं, मूंगफली को खाएं, ब्रोकली को खाएं, सोयाबीन को खाएं, चना को खाएं, राजमा को खाएं, गाजर को खाएं, नारियल को खाएं, केला को खाएं, सभी प्रकार की दालों को खूब खाएं, मक्का को खाएं, आलू को खाएं, फूल गोभी को खाएं और भाइयों गेहूं का आटा खाएं। तो भाइयों, अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी हो गई है ये समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन भाइयों, अगर आपके शरीर में बार बार प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और पूरी जांचों को कराकर सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं, तो भाइयों आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।